फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ और रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में फादर नेम, हस्बैंड नेम या मदर नेम चेंज करना है या करेक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग कॉमेंट करते रहते कि ओनली रिलेटिव नेम चेंज या करेक्शन करने का एक वीडियो बनाओ, तो इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा किसी भी एक ब्राउजर पर। तो देखिए मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद जो सर्च बार है, सर्च बार में जाके आपको एंटर करना होगा eci.nic.in। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, वेबसाइट मैंने टाइप कर दिया, तो टाइप करने के बाद मैंने सर्च कर दिया। तो सर्च करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि वोटर सर्विस, वोटर एडुकेशन, इलेक्शन, फिर कैंडिडेट नेम, पार्टी, तो सब कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा। तो हम लोग जाएंगे वोटर सर्विस का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर। तो इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट ना करके ही लॉग इन करना चाहते हो तो नीचे देखिए साइन इन विथ जीमेल, इसमें क्लिक करना है और आपका जीमेल से लॉग इन करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आता है, इनबिलिट क्रेडेंशियल इस टाइप से इरोर आता है, तो आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन में जाना है और इस ऑप्शन में जाके आप ईमेल या मोबाइल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले आपको ईमेल से लॉग इन करके दिखाता हूँ, बाद में मोबाइल नंबर से कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने ईमेल टाइप कर दिया था और कंटिन्यू किया, लेकिन इसमें इरोर मैसेज आ गया, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट है। फिर देखिए मैंने मोबाइल नंबर पुट करके सेंड ओटीपी कर दिया, देखिए मेरा मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। तो उस ओटीपी को क्या करना है, इसमें आपको एंटर कर देना है। तो देखिए मैं इधर एंटर कर रहा हूं, तो एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से वेरीफाई हो जाएगा और सक्सेसफुल इस टाइप से मैसेज आपको मिल जाएगा। फिर ऑटोमेटिक से इस टाइप से आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए दिया जाएगा, तो इसमें आपका पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए। तो देखिए मैं फटाफट से पासवर्ड क्रिएट कर लिया और जो कैप्सा को पुट करके और इसमें टिक कर देना, फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करते हो तो इस टाइप से आपका इंटरफेस शो हो जाएगा, इसमें वेलकम बोल के लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे इस टाइप से आपका नेम आपको देने के लिए बोला जाएगा, मतलब आपको प्रोफाइल जो है प्रोफाइल डिटेल्स देने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें नेम, ईमेल आईडी, स्टेट और जेंडर सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से प्रोफाइल अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद इस टाइप से आपको वेबसाइट देखने के लिए मिलता है। तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना हो, करेक्शन करना हो, वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करना हो, रिप्लेसमेंट करना है वोटर आईडी कार्ड को, या वोटर आईडी कार्ड को डिलीट करना हो, तो बहुत सारा काम आप इस वेबसाइट से कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग जाएंगे करेक्शन पर। तो देखिए अगर आपका फादर नेम पे करेक्शन करना हो या मदर नेम पे करेक्शन करना हो या हस्बैंड नेम पे करेक्शन करना हो तो आप कर सकते हो करेक्शन इन वोटर डिटेल्स, या आप फादर नेम को चेंज करके हस्बैंड नेम करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, मदर नेम को चेंज करके फादर नेम करना चाहते हो, मतलब जो भी आपको करना है रिलेटिव नेम पे तो आप कर सकते हो। तो उसमें क्लिक कर देना, तो क्लिक करने के बाद आपको लेट स्टार्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपकी इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा और इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है, अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो देखिए वोटर आईडी कार्ड है इसलिए मैं यस कर रहा हूं। तो यस करने के बाद जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है इसमें आपको पुट करना होगा और फेच डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना होगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स इधर फेच हो रहा है या नहीं इसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना होगा। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस होगा जिसमें आपका फुल डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम या मदर नेम, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड में रहेगा उस इंफॉर्मेशन रहेगा, फिर आपका जो भी हो सब कुछ इधर मिलेगा। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपको इस टाइप से शो हो जाएगा, इसमें आपका मोबाइल नंबर देके वेरीफाई करना होगा। तो देखिए इसमें एक मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड ओटीपी कर दीजिए, तो ओटीपी करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपका मोबाइल पर, तो उस कोड को इधर आपको बिठाना है और आपको वेरीफाई पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई करने के बाद इस टाइप से आएगा, तो इसमें आप क्या चेंज करना चाहते हो, तो देखिए इसमें आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, नेम
नेम ऑफ रिलेटिव, टाइप ऑफ रिलेशन, एड्रेस और वोटर आई डी न्यू फॉर्मेट। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फादर नेम हो, हस्बैंड नेम हो या मदर नेम चेंज करेंगे, तो इसलिए क्या करना होगा, नेम ऑफ रिलेटिव का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को चूज करना होगा। तो इस ऑप्शन को चूज करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपका जो फादर नेम हो, हस्बैंड नेम हो या मदर नेम हो, तो जो करेक्टेड नेम है इसमें आपको पुट करना होगा। तो देखिए अगर फादर नेम आपका वोटर आई डी कार्ड में है तो फादर नेम आप इधर पुट कर दीजिए, मदर नेम है तो मदर नेम पुट कर दीजिए। अगर आप फादर नेम से हस्बैंड नेम चेंज करना चाहते हो तो उस हिसाब से जो भी नेम आप मतलब वोटर आई डी कार्ड में लाना चाहते हो, फादर नेम तो फादर नेम कीजिए, हस्बैंड नेम तो हस्बैंड नेम कीजिए, तो इस हिसाब से आप कर दीजिए। तो आप करेक्शन भी कर सकते हो या आप चेंज भी कर सकते हो, एक दूसरे से आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि शादी से पहले फादर नेम रहता है तो शादी के बाद आप उसमें हस्बैंड नेम भी डाल सकते हो, तो इस हिसाब से आप करेक्शन कर सकते हो। तो देखिए इसमें आप इंग्लिश में भी करना है और आपका रीजनल लैंग्वेज में भी करना है। तो रीजनल लैंग्वेज का कीवर्ड दिया हुआ है तो इसमें आप एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना, फिर इस टाइप से आएगा। तो इसमें आपका नेम और जो प्लेस है प्लेस को पुट करके आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद इस टाइप से आपका जो फॉर्म 8 है इस टाइप से डिस्प्ले हो जाता है और इसमें आपका डिटेल्स वगैरह शो होता है और आप कौन सा डिटेल्स करेक्शन कर रहे हो वो भी इसमें टिक होके आता है। तो आपको थोड़ा चेक कर लेना है और इस फॉर्म को आप सेव कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए। तो क्योंकि देखिए बाद में आपको बीएलओ के पास जमा करना भी हो सकता है, ऐसे तो नहीं चाहिए लेकिन अगर वो मांगे तो आपको देना होगा। फिर आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद इस टाइप से देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नेम आएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। तो देखिए इधर है रेफरेंस नंबर, तो इस रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक करके देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो ट्रैक कैसे करना है, तो इस रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपको जाना होगा होम पर। तो देखिए होम आपको नीचे मिल जाएगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपकी इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, आप देख सकते हो। फिर देखिए ट्रैक स्टेटस इस टाइप से आएगा, फिर इसमें हम लोग एप्लीकेशन के स्टेटस देखेंगे। तो एप्लीकेशन में आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रेफरेंस नंबर है रेफरेंस नंबर इधर पेस्ट कर देना है या आप टाइप कर सकते हो। तो देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट करने के बाद ट्रैक योर स्टेटस पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपका डिटेल्स शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें चार स्टेप है, जो आपने सबमिट कर दिया एक स्टेप हो गया, फिर बीएलओ अपॉइंटमेंट होगा, फिर एक स्टेप हो गया, फिर आपका फील वेरीफाइड होगा एक स्टेप हो गया, और एक्सेप्ट या रिजेक्ट, मतलब आपको चार स्टेप पार करना होगा फिर जाके आपका जो फॉर्म है फॉर्म सबमिट होगा। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आपको वेट करना होगा, एक महीना भी हो सकता है, दो महीना भी हो सकता है या तीन महीने में भी हो सकता है, आपको वेट करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज अप्लाई कर दिया, दो दिन बाद से मतलब टेंशन करने लगता है कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इस टाइप से नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आपको स्टेटस चेक करते रहना होगा, जब आपका बीएलओ अपॉइंटमेंट होगा फिर जाके एक फॉर्म बीएलओ आपके घर लेके आएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको सिग्नेचर करके उनके पास देना होगा, फिर जाके आपका फील वेरीफाइड कंप्लीट होगा, फिर जाके एक्सेप्ट होना या रिजेक्ट होना फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप से होता है वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो इस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू।